हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एंजल ट्रेडिंग फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैंने मेरा सैलरी इंक्रीज किया, कैसे हाइक मिला, और वो भी एसीसी फीचर्स में ट्रेडिंग कैसे करना है। यस, मैं एसीसी कंपनी में काम करता हूँ और एसीसी फीचर्स में ट्रेडिंग कर रहा था पहले। सो आज का दिन मैं पूरा आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट और मनी मैनेजमेंट कैसा करना है, ताकि आप लोगों को पैसा, आप लोग का पैसा डबल कर सकता है। ओके, तो ये भी मेरा स्ट्रेटजी आसान है। इसमें आपको सिर्फ 3:25 में एंट्री, 3:25 PM पे एंट्री करना है, और बाद में नेक्स्ट डे 3:25 PM पे एग्जिट करना है, और बाकी कुछ भी काम नहीं है आपको। आसान है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। ओके, स्ट्रेटजी ऐसा है कि अलार्म एट 3:15 PM एंड लॉग इन टू योर ट्रेडिंग टर्मिनल, और 3:15 PM पे आप लोग को एसीसी फीचर्स का प्राइस चेक करना है, अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो 3:25 पे आप लोग को शॉर्ट करना है। ओके, ये एमआईएस ट्रेड नहीं है, ये सीएनसी ट्रेड है, मतलब कैश एंड कैरी ट्रेड है। ओके, सो आप लोग का ट्रेड पॉजिटिव, एसीसी फीचर अगर पॉजिटिव है तो आज का दिन पे आप लोग को शॉर्ट करना है, और अगले दिन 3:25 पे वो स्क्वायर ऑफ करना है। ओके, मैं एक बार मेरा एक्सेल दिखा देता हूँ आप लोग को। बहुत लोग मेरा एक्सेल के ऊपर बहुत कमेंट किया, पसंद किया है, लाइक किया है। थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग। ओके, तो 2 जैन को मार्केट 1341 पे ओपन हुआ और एंड हुआ है 1358, मतलब मार्केट इंक्रीज हुआ है। तो हमको आज 2 तारीख को अगर ट्रेड लेना है तो शॉर्ट करना है। तो 3:15 का बाद अगर शॉर्ट करेगा, लगभग क्लोजिंग टाइम का, तो क्लोजिंग टाइम का पास क्लोज ट्रेड लेना है। इसके लिए मैंने 3:25 मेंशन किया था। तो 3:25 पे आप लोग इस पे शॉर्ट करना है, तो मतलब 1358 पे आप लोग ने शॉर्ट किया, और नेक्स्ट डे 3:25 पे स्क्वायर ऑफ करना है। तो इसमें अगर देखेगा तो 1345 स्क्वायर ऑफ करेगा तो हमको मिला है ऑलमोस्ट 58 माइनस 45 प्रॉफिट्स मिला है। तो अगर देखिएगा तो हम ऑलमोस्ट 12.65 पॉइंट्स मिला है प्रॉफिट हमको। मैंने क्या किया है, इसको 2 पार्ट डिवाइड किया है नाइट में, मतलब अगर क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो, और नेक्स्ट ओप डे में ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस, इसको सेपरेट लिया मैंने। इसके लिए क्योंकि नाइट में हमको स्टॉप लॉस प्लेस नहीं कर सकते, बट नेक्स्ट डे डे टाइम में हमको स्टॉप लॉस प्लेस कर सकता है, तो इसके लिए मैंने 2 पार्ट डिवाइड किया है। तो फिर 3 जैन को देखेंगे। 3 जैन मार्केट 1361 से 1345 मतलब नीचे गया, तो नेक्स्ट डे हमको, नेक्स्ट डे के लिए हमको बाई करना है। 1345 पे बाई किया और मार्केट नीचे गया 1325, हमको 20 पॉइंट्स लॉस है। सिमिलरली 4 जैन को देखेगा तो मार्केट 1344 से 1325 आया, मतलब नीचे आया, तो नेक्स्ट डे हमको बाई करना है, नेक्स्ट डे के लिए बाई करना है। तो अगर 1325 पे बाई किया तो नेक्स्ट डे 1337 में क्लोज हुआ है, तो मतलब 12 पॉइंट्स लगभग हमको प्रॉफिट मिला है। तो दोस्तों ऐसे डेली स्ट्रेटजी ऐसे फॉलो करके जाना है। और अगर इधर देखेगा तो 2 तारीख को हमको टोटल पॉइंट्स मिला है 12, और 1 लॉट एसीसी में आपको 400 शेयर्स है। इसके लिए मैंने 400 के साथ मल्टीप्लाई किया, 400 × 12 आपको लगभग 5,000 रुपीज मिलेगा। तो नेक्स्ट डे ऐसे सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके जाना है, विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख, ऑलमोस्ट 2,30,000 रुपीज। ये मैंने 7 जुलाई तक, बोले तो लास्ट वीक डेटा है, लास्ट वीक तक मैंने ट्रेड करके देखा है और ये प्रैक्टिस करके देखा है, ये 2,30,000 तक पहुंचा है। इधर आप देखेगा तो ऑलमोस्ट 15 जून पे 3 लाख भी टच किया था। ओके, तो अगर स्लिपेजेस, ब्रोकरेजेस वो सब माइनस करेगा तो भी आपका पैसा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डबल हो रहा है। और 2016 का भी डेटा मैंने प्रैक्टिस करके देखा, विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख एंड ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट आपने देखा तो 4 लाख भी टच हुआ है। ओके, सो दिस ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है आप लोग का मनी डबल करने के लिए। ओके, तो अगर ये मेरा एक्सेल फाइल चाहिए तो प्लीज मेरा वेबसाइट आप लॉग ऑन कीजिए, www.angeltradingfriend.com, उसमें मैंने अपलोड किया है। अगर आपको चाहे तो उधर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और भी चाहे तो ये फॉर्मूलास करना, चेक करना, तो यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों,
सो आगे स्ट्रैटेजी पे जाएंगे। तो एंट्री आप लोग को मालूम हो गया, वाइस वर्सा अगर नेगेटिव है तो भी कैसे करना है। सेकेंड चीज ये है स्टॉप लॉस। सेकेंड डे हम लोग को 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है। फर्स्ट डे आप लोग को मालूम है नाइट में स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, इसके लिए नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है इमिडियटली 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और बाकी 3:25 PM पे आप वैसे भी तो स्क्वायर ऑफ हो जाए, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, इधर मैनुअली स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं है क्योंकि ये CNC फीचर्स है। मनी मैनेजमेंट, वन लॉट अगर ACC परचेस करना तो मिनिमम 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसका बाद विद एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख एक एक लॉट इंक्रीज करके जाना है, कॉम्पाउंड करके जाना है। दोस्तों कॉम्पाउंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डोंट फॉरगेट। ओके, तो अगर समराइज करना है तो सिंपल है, आप 3:15 PM पे अलार्म रखो और आपका ट्रेडिंग टर्मिनल लॉग इन करो और स्ट्रेटजी के अनुसार आपका ट्रेड प्लेस कीजिए। उसका बाद अगले दिन स्टॉप लॉस ऑफ 30 पॉइंट रखने के बाद ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कीजिए, और हमेशा मैं जैसे बोलता हूँ प्लीज वर्क और प्ले और एंजॉय पीसफुली। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्लीज डू डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज टू ऑल योर फ्रेंड्स हु आर इन नीड ऑफ योर हेल्प और माई हेल्प। और अगर मेरा बैक टेस्टेड फाइल्स चाहिए, डेटा चाहिए, तो प्लीज मेरा वेबसाइट लॉग इन कीजिए angeltradingfriend.com। बहुत सारा लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियोज मांग रहे हैं, तो मेरा एक्सेल फाइल्स भी मांग रहे, तो इसके लिए मैंने ये वेबसाइट ओपन किया और इधर कोरेट फाइल्स डाउनलोड मैंने अपलोड किया है। जो भी स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें जाके आप एक बार क्लिक कीजिए, ओके, और आपको इधर नीचे आएगा तो देखिए मैंने मेरा फाइल का लिंक डाला है। एक फाइल का लिंक को कॉपी करके आपको दूसरा ब्राउजर पे पेस्ट करना है, बस उतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।